नहीं रेड से पहले, रेड तो अभी क्या साल हुआ, एक ही पत्थर में से बना है सारी मूर्ति है। हाँ 300 साल का जिस सिंह ने बनाए आधा पार्ट बनाए उनके चंदा बेच दिया, हनुमान जी सूर्य भगवान है। डेढ़ दो दिन के बाद हम लोग निकले न्यू सिटी देखने के लिए जोधपुर में, और यहाँ पर सिर्फ आप प्रेफर करो ऑटो से ही जाओ, ऑटो से जाओ, हमें स्कूटी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटो इज वेल एंड मतलब सेम ही पड़ता है। आपको क्या है 300-400 रुपए 500 रुपए पर डे का देना पड़ेगा, उससे अच्छा आप 300-400 में ऑटो वाले से बात कर लो, जैसे कि हमने किया, हम वहाँ पे भी लेके गया जब भी हमने जो फर्स्ट प्लेस देखा वो, और उम्मेद भवन भी लेके जा रहा है, वहाँ ड्रॉप कर देगा 250-270 रुपए का, दो प्लेस उसके दिखा दिए, वहाँ से फिर हमें दूसरा एक बाग देखने जाना है, वो मंडोर का बाग है वो देखने जाना है गार्डन, तो वो अपने आप से चले जाएंगे। ऐसे ही हमने उसको बोला है वो खाने पीने की भी एक दो जगह दिखाएगा, वो हम कल के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे फुल, मतलब फेमस चीजें क्या क्या लेके जानी है, क्या क्या खा सकते हो, स्वीट कौन सी फेमस है, कचौड़ी कहाँ से मिलती है अच्छी, वो हम कल के ब्लॉग में बताएंगे, तो मेक श्योर कि आप कल का ब्लॉग भी देखो। और एक चीज और, आपको मेरे फेस पे कुछ डिफरेंट लग रहा है? हाँ भाई, इसके चश्मे की थोड़ी तारीफ, ये बताने की क्या जरूरत थी, तो किसी को नहीं लगा तो लगा तो, अगर आपको लगा तो नीचे कमेंट में बताने की जरूरत है। उम्मीद बहुत चले, चश्मा तोड़ दूंगी तेरे स्टाइल मार रहा है। मैनेजमेंट स्टाफ और मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। जो भी 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इसको उम्मीद भवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस भव्य इमारत को बनाने वाले हमारे महाराज साहब थे, उनका नाम था उम्मीद सिंह जी, और वो बहुत बड़ी डेजिग्नेशन होल्ड करते थे एज वाइस एयर चीफ मार्शल इन ब्रिटिश एयरफोर्स। अच्छा, तो उनका सबसे पहला बड़ा अचीवमेंट जो था वो था जोधपुर इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल फ्लाइंग क्लब था, यहाँ से यूके और फ्रांस तक फ्लाइट जाती थी, अनफॉर्चुनेटली नॉट टुडे। देन ही वेंट टू इंग्लैंड इन टू अ कंपनी कॉल मैपल लिमिटेड, और वहाँ की आर्किटेक्ट थी हेनरी वॉगन लॉन्केस्टर, उनसे इसका नक्शा बनवाया, वापस आए 18 नवंबर 1929 को अपने हाथों से इसकी नींव रखी, लगातार 14 साल तक इसका काम चला, 1944 को ये बन के कम्प्लीट हुआ, और इस पर प्रतिदिन 3000 लोग काम करते थे परमानेंट, और अस्थायी तौर पे पता नहीं कितने और होंगे। ये महाराजा उमेश सिंह जी साहब जो वर्तमान महाराजा उनके दादाजी, इन्होंने अपनी प्रजा को राहत देने के लिए इस पैलेस का निर्माण किया। कंस्ट्रक्शन था उस समय के हैं, मशीन ज़्यादा नहीं थी, मेनली ह्यूमन पावर एंड एनिमल पावर, हमेशा लोडिंग के लिए डोंकीज को काम में लेते थे और कैलकुलेशन नोट करते थे आज कितने डोंकीज काम में लिए गए। ये इस भव्य इमारत के पीछे का हिस्सा है जहाँ मार्बल की बनी हुई बारादरी है, बहुत बड़ा लॉन है, ये टोटल एरिया इसका जो है पैलेस का है 25-26 एकड़, और आज की तारीख में आपका ये उम्मीद भवन पैलेस दुनिया भर के डेस्टिनेशन सेलिब्रिटीज के लिए हॉट डेस्टिनेशन है, वो लोग यहाँ आकर अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह और शादी भी करते हैं। प्री कोविड जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ वो निक जॉनस और प्रियंका चोपड़ा की शादी यहाँ हुई, ये सेंटेडोम, ये पैलेस से उसका बाहर से व्यू।
ये पहनने के बाद हम भी तुझे रानी सा रानी सा रानी पोशाक पहनना बाकी है इसके। ठीक है, मतलब मेरे पे तो सूट नहीं करेगा ना। अब रानी सा नहीं लग रही हो आप? नहीं, बट मैं पहनती नहीं हूँ, बट बहुत सुंदर है। सुंदर है। सो फाइनली मैं दोन से बाहर निकल गया, मतलब बाकी सारे जैसे पैलेसेस होते हैं ऐसा ही है। नहीं, राजा पैलेसेस है, मतलब एक साइड राजा रहता है, एक साइड होटल, और बीच में मतलब देखने हाँ, साइड में तीन पार्ट में, एक साइड होटल है, एक साइड राजा रहता है, यहाँ की तरफ बीच है ऊपर, और जो बीच सेंटर में है वहाँ पे आपको पूरा म्यूजियम ही है, पहले की चीज़ें है, पूरा हिस्ट्री है। गाइड रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा क्या क्या चीज़ है। वर्थ है, आ सकते हो आप लोग। अब परफ्यूम की स्मेल आ रही है, ओपीएम वाले। ओपीएम वाले तो फाइनली आधे घंटे की राइड के बाद पहुंच गए हम लोग मंडोर। मंडोर नाम से अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो कमेंट करिए। बहुत ही फेमस जगह और बहुत एक फेमस पर्सनालिटी है हमारे शास्त्रों में या फिर हमारी हिस्ट्री में, उससे यह नाम कनेक्टेड है। पता चला आपको? पता चला मंडोरी मतलब मंडोदरी। तूने मेरा बम किया था ना चश्मे का, मैं मंडोदरी रावण की जो वाइफ थी, मतलब बेसिकली रावण का ससुराल है। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे रावण की पूजा भी होती है, तो ये रावण का ससुराल है। मंडोदरी का जो घर है वो यहीं पे था। तो चलते हैं अंदर ये गार्डन में, देखते हैं क्या खास है इस गार्डन में, क्या क्या चीज़ें देखने लायक है। ऐसे तू कैसे मेरा बम चक्का कर सकती है? तूने मेरे चश्मे का भंडा फोड़ दिया था। तो क्या हो गया, तो इसमें बदला लेगी तू मुझसे? तो लूँगी ना। चलो गार्डन देखते हैं। और कैसी लगी तुझे सोडा? बहुत टेस्टी थी। यहाँ पे आए तो सोडा पिए। ऐसा लगता है कि मेरे जान में जाना ही। एक काम करना, मेरे मुंह के अंदर कैमरा डाल दे। डाल दे मेरे थ्रोट दिखा दे मेरा। बताओ। ये चार बाग हैं। अब जाना चाहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ चार बाग हैं, चार तरफ से ऐसा है ना बना हुआ, इसीलिए चार बाग। गाइड तो है कि मैं हूँ। शट अप। पैसा तुझे चाहिए? पैसा चाहिए तुझे? मैं 300 लूँगा इस इन्फॉर्मेशन के लिए। कौन सही है घटिया इन्फॉर्मेशन के लिए 300 लाते पड़ेगी तुझे, लाते जलता है तू मेरे टाइम। हाँ बहुत अच्छा है। एक काम कर, तू यहीं बस जा। पता नहीं ग्रीन बाल और ग्रीन चाहिए शर्ट पहन के घूम रही है। देवल बोलते हैं इसका, राजा की डेथ होती है उनको जलाने के बाद उनकी याद बने, इस देवल बोलते हैं। वो सबसे पुराना वो 750 मेमोरी जैसे बड़ा बाग में है। हाँ। में इधर वो कांपासर में है। वो जसवंत चला 1895 के बाद में वहाँ के मिशन पहले यहाँ होते थे। और ये क्या है? ये भी वो देवली जो देवल है, ये छतरी है और वो थड़ा है। अच्छा, उल्लास थड़ा हुआ 70। ये देवल है? ये देवल मतलब मंदिर होता है? नहीं, हाँ मंदिर के जैसे भाई भगवान का रूप मानते हैं राजा को। अच्छा, अच्छा। उनके देवल का नाम दे दिया। और ये छतरी, ये भी स्वीकृत मिशन हुआ और वो थड़ा है। थड़ा लोकल वर्ड है, थड़ा में पूजा होती है आज भी राजा। अच्छा, और इसमें क्या होता है देवल में? देवल में तो वैसे पहले राजाओं की मूर्ति थी, आजकल नहीं है। अच्छा, पिल्लर के आकार का, उसमें रानियों की सिटिंग पहले से, मतलब उस जमाने के एयर कंडीशन रूम में पहले लाइट तो थी नहीं। लाइट तो सबसे पहले 1940 में भी बनवाई है। ये 300 साल पहले अजीत सिंह राजन बने था, तो रानियों के इनको वैसे पूरे कैंपस के जनाना बाग बोलते हैं। अच्छा, जनाना लेडीज़ के लिए और जनाना जेंट्स के लिए। तो रानियाँ मेहरानगढ़ से यहाँ विजिट करने आती हैं काम देखने। अच्छा। तो उनका सिटिंग पहले से हाँ पर्दा सिस्टम था, तो जाली में अपने को देख सकते, अपने देख सकते। तो वो पीछे वाले कैंपस में अभी म्यूजियम है, ये रानियों की सिटिंग पहले से। नहीं रेड से पहले, रेड तो अभी क्या साल हुआ, एक ही पत्थर में से बना है सारी मूर्ति। हाँ 300 साल का अजीत सिंह बनाए, आधा पार्ट बनाए नब्बे सिंह जी, सूर्य भगवान है।
लोग आ गए दिन के टाइम पे क्लॉक टावर जिसे घंटाघर भी बोलते हैं, आखिरी स्थान जोधपुर में। और यहाँ पे हम लोग आए हैं लस्सी पीने के लिए, पानी की पता हाँ मिश्री लाल की लस्सी वो फेमस है, तो ज़रा चलते और ट्राई करते हुए। अभी हम लोग पहुँच गए हैं श्री मिश्री लाल के यहाँ पे, जो ये जो मार्केट है ना जिसको बोलते हैं सरदार मार्केट, उसी के मार्केट के अंदर ही है। और यहाँ पे ना फेमस मिलती है मक्खन यानी से, तो चलिए ट्राई करते कैसी है। तो मक्खन या लस्सी ले अंजलि, टेस्ट करके बता कैसी है। अच्छी है, आइसक्रीम लग रही है, आइसक्रीम लग रही है, अच्छी है, बर्थ है। आइसक्रीम लग रही है ना, भाग दौड़ा करने के बाद और हमने खाना भी नहीं खाया, मतलब यहाँ पे क्लॉक टावर में आप भाई ये घंटाघर देखो और आसपास शॉपिंग है, मतलब ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो शॉपिंग आपको करनी है कोई लोकल तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो एक डेढ़ घंटा आपको आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर आपको शॉपिंग करनी है। बस धूप के टाइम पर बताना, शाम के टाइम पर है ना लाइटिंग वाइटिंग अच्छी होती है और आपको थोड़ा और मज़ा आएगा।